श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता तीनों वनवास में जा रहा था। बहुत दूर जाते जाते माता सीता थक जाती है और पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता है। दूर से किसी का आवाज़ आ रही है, बचाओ 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 करके। तो माता सीता ने कहा, जाओ दे जाकर मदद कर लो। और श्री राम निकल पड़े हैं, तो वह जा रही है जंगल की ओर। और कुछ समय के बाद फिर एक आवाज़ आने लगा, भाई लक्ष्मण बचाओ। तो माता सीता ने समझा कि उनका स्वामी है, परंतु नहीं है उनका स्वामी। तो भाई लक्ष्मण को कह रही है, जाओ भाई लक्ष्मण अपने भाई को देख लो, कुछ हुआ है। तो भाई लक्ष्मण ने नहीं जाना चाहती, क्योंकि श्री राम ने कहा माता सीता को कहीं सुर के नहीं जाने के लिए, लेकिन मजबूरी से जाना पड़ रही है माता सीता को दुखी होकर देखकर। तो इसी कारण कुंडली के अंदर सुर के जा रही है माता सीता को। तो कह रही है, बोधी आप यहाँ से कहीं नहीं जाना, नहीं तो कुछ हो सकता है। तो भाई लक्ष्मण भी निकल पड़े हैं जंगल की ओर अपने भाई को ढूंढने के लिए, श्री राम को। कुछ समय के बाद लंकेश रावण अपने रॉड के साथ आसमान में उड़ता हुए आ रही है माता सीता के पास। तो आज जाते जाते बहुत दूर जा चुके हैं। अब जिस जगह पर जा रही है माता सीता के पास, वह जगह पर पहुंचने लगा है। जब पहुंच गया तो नीचे में उतर गया अपने रॉड को लेके। तो यही पर लंकेश रावण उतर रही है। लंकेश रावण जब माता सीता के पास पहुंचती है तो अंदर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करती है, मगर अंदर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो वो दूसरा रूप धारण करती है, तो बुलाती है, देवी बाहर आए, मुझे थोड़ा कुछ खाना है। तो माता सीता बाहर आती है तो कहती है, बाहर आओ। माता सीता कहती है, मैं आ नहीं सकूँगा, अगर नहीं आओगे तो तेरे स्वामी को मैं अभिशाप दूंगा। तो इसी कारण माता सीता को मजबूरी से निकलना पड़ती है। तब रावण अपने रूप लेके माता सीता को ज़बरदस्ती से उठा के लेके जाती है अपने लंका के ओर। तो आसमान में उड़ते हुए जाते समय माता सीता चिल्लाते चिल्लाते कहती है, भाई लक्ष्मण, श्री राम मुझे बसाओ, कोई उठा के मुझे लेके जा रही है। मगर सुनाई नहीं देता श्री राम और भाई लक्ष्मण को। तो पहुंचने के बाद रावण ने माता सीता को पेड़ के नीचे बंदी करती है। देखते देखते बहुत सालों के बाद श्री राम ने सारे राक्षसों को मार गिराता है। तो आप लंकेश रावण युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़ी है। श्री राम और लंकेश रावण दोनों एक साथ बातें करती है मुकाबला करने के लिए, यानी कि युद्ध करने के लिए। तो अब युद्ध शुरू होती है। युद्ध करते करते रावण ने अपने 10 सिर को बनाता है। तो श्री राम ने उस सिर को एक एक करके सबको काट देती है। तो काटने के बाद भी अपने आप बन जाता है रावण का सिर। आप लोग खुदी देख पा रहे होंगे। इसी तरह श्री राम ने लंकेश रावण को एक एक करके सिर काट देती है। अब लास्ट में जो सिर बसा है, श्री राम ने उनका जादू शक्ति त्रिशूल से मार गिराता है लंकेश रावण को। आप विजय प्राप्त करती है। विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण घर में लौट जाती है। तो दोस्तों, आज की श्री राम का कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएगा। अगर श्री राम का वक्त हो तो जय श्री राम करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।